भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पश्चिम बंगाल चुनाव के शुरुआती दौर में नंदीग्राम बहुत सुर्खियों में रहा। दो वजह, एक तो सीएम ममता बनर्जी ने खुद वहां से चुनाव लड़ा और दूसरा नंदीग्राम भूमि आंदोलन की वजह से बहुत पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। लेकिन नंदीग्राम की ही तरह एक और बदलाव का प्रतीक पश्चिम बंगाल की राजनीति में है, वो है सिंगूर, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। 2006 के आंदोलन के बाद 15 साल बाद सिंगूर चुनावों पर क्या सोच रहा है, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा आपको इतिहास में लेकर चलता हूं। साल 2006 में नंदीग्राम की ही तरह सिंगूर में भी उस वक्त की लेफ्ट सरकार ने टाटा मोटर्स की लकटकिया कार नैनो के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया, यानी किसानों से उनकी मर्जी के खिलाफ लेने की बात कही। तो ये जो मेरे पीछे आप ये बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा देख रहे हैं, ये सब वही टाटा के प्रोजेक्ट के लिए ली गई जमीन है। ज्यादातर जमीन बंजर पड़ी हुई है, कटीली झाड़ियां हैं, थोड़ी बहुत जमीन पर खेती होती है जिस हिस्से में मैं इस वक्त खड़ा हूं। यहाँ आलू की खेती होती है। तो ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे, किसान नहीं चाहते थे, बहुत से किसान नहीं चाहते थे कि उनकी जमीन ली जाए। तापसी मलिक नाम की 16-17 साल की लड़की का एक जला हुआ शरीर मिला था, उनसे बलात्कार किया गया था। मैं वहां भी लेकर चलूंगा आपको उनके घर, लेकिन पहले एक बार सिंगूर आंदोलन की बात पूरी कर लेते हैं। तो ममता बनर्जी ने आंदोलन छेड़ा सिंगूर से कोलकाता तक और आखिरकार टाटा मोटर्स ने जनवरी 2007 में यहां कुछ कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया था, लेकिन विरोध के चलते अक्टूबर 2008 आते आते टाटा को अपना बोरिया बिस्तरा यहां से समेटना पड़ा। और ये ममता बनर्जी के सियासी सफर का एक बड़ा मील का पत्थर बन गया सिंगूर। नतीजा ये हुआ कि 2009 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने यहां पर लोकसभा की 42 में से 19 सीटें जीती और 2011 में उन्होंने करीब 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता में आ गई। लेकिन आज जबकि 10 साल हो चुके हैं ममता बनर्जी को सत्ता में आए हुए, तो जब हम सिंगूर में आकर लोगों से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ लोग तो अब भी उस आंदोलन को याद करते हैं, ममता बनर्जी का एहसान मानते हैं कि जमीन वापस हुई, लेकिन बेरोजगारी और दूसरे मुद्दे भी यहाँ पर हावी हैं, पॉलिटिकल मुद्दे भी यहाँ पर हावी हैं, जिनकी पड़ताल करने के लिए हम सिंगूर गाँव में गए। तो जिस तरह से जमीन ले लिया था और जिस तरह से ममता बनर्जी ने वापस भी किया, ये तो उनके ऊपर मेहरबानी बोलना ही पड़ेगा। तो इलेक्शन के लिए अभी फलाफल क्या होगा मुझे पता नहीं है, पर इतना चाहूँगा कि ममता बनर्जी वापस आ जाए तो फिर अच्छा ही होगा। आपका जमीन वापस कैसे मिला आपको? আমার বাবা সম্পত্তি আছে তো উসকো বাবা তো মারা গেছে সেই জমি এখন আমি আচ্ছা আপনি বাবা মারে গিয়ে থে মারা গিয়ে থে আচ্ছা তো আবি ইস জমিন পে খেতি বেতি হতা হ্যায় ক্ষতি হ্যাঁ ক্ষতি হয়েছিল তো কিস চিজ কা ক্ষতি হয়েছিল সব এতে তো কারখানা সেট করেছিল সব সেই সেট ভেঙে সব নিয়ে চলে যাওয়া তারপর হাম আমরা জমি ফর্সা করে চাষবাস এখন করছি তা মেয়া তো চাইতা থা আবি তো চিচা চাইতা থা ইয়া কে কারখানা হোগা ये जे गांव का भाई पश्चिम बंगाल का जो आदमी से जो लेखा तो लिखाई पढ़ाई को करता था वो आज आदमी को क्या करेगा, उस लड़का को क्या करेगा, काम दे देने पड़ेगा। वो 200-500-2000-5000 उनको देने को तो काम नहीं होगा, उनको काम देने पड़ेगा तो तब तो चलेगा। ये तृणमूल सरकार चल रहा है 10 साल के लिए, तो इनको ना चाषी के लिए कोई खबर है, ना जो स्कूल में छात्र पढ़ रहा है उसके लिए कोई खबर है। ये तो सिर्फ यानी कि कोई पाई देने का राजनीति कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
तो हम लोग चाहते हैं दोबारा वामपंथी घुरे आए, दोबारा आने के बाद सिंगूर में फिर कारखाने चालू हो, जो बेकार लड़का घूम छत्रो घूम रहा है उनको नौकरी मिले। विवादों में रही टाटा प्लांट की जमीन से जब आप करीब 1.5 किलोमीटर अंदर सिंगूर गांव में आते हैं तो ये मूर्ति मिलती है। ये मूर्ति है तापसी मलिक की। तापसी मलिक का जला हुआ शरीर प्रोजेक्ट साइट पर 18 दिसंबर 2006 को मिला था। ये वही दिन था जब गांव के लोग, आसपास के किसान वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तापसी के साथ बलात्कार हुआ था और वो सीपीएम के लोगों ने किया था। ममता बनर्जी ने तापसी की मौत को बड़ा मुद्दा बनाया, सत्ता के शिखर तक भी पहुंची। तापसी के पिता मनोरंजन मलिक ममता बनर्जी का अब भी एहसान तो मानते हैं, लेकिन उनकी आवाज में आज 15 साल बाद एक दर्द भी नजर आता है। मिलने का मौका, यहाँ तो प्रोग्राम हुआ, दीदी आया, हमको नहीं बुलाया। जब सभा होता है यहाँ, मीटिंग में होता है, तभी हम लोग को बोला लेता, कहे अरे बोला नहीं है, तो क्या हो ना हो हम नहीं जानता, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपकी बेटी को भी भुला दिया उन्होंने, जिनके नाम पे वो सत्ता में आई? क्या बोलेगा, दीदी तो अभी लड़की का नाम ही नहीं लेता, तो हम क्या सोचेगा, ये आदमी बुझेगा, अभी बांग्ला मानूस है, जनगण है, वो भी बुझेगा। वो बोले अभी नहीं सहेगा, हम दीदी के पास है, दीदी की वोट देगा। पहले जब हमारा लड़की खून हुआ, वही टाइम से जब मुख्यमंत्री हुआ, मेरा साथ ठीक ही अच्छा, मेरा साथ ही रहा। हम कोलकाता में जाता, दीदी साथ में सारा पृथ्वी घुमाया और प्रचार किया है, सारा विश्व, सारा राज्य सब प्रचार किया है दीदी के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री होने से बाद थोड़ा प्यार थोड़ा कम हो गया, तो ये काय हुआ ये हम नहीं जानता। सिंगूर से 4 बार टीएमसी के विधायक रह चुके रविंद्रनाथ भट्टाचार्य सिंगूर आंदोलन में ममता के सेनापति थे, ठीक वैसे ही जैसे नंदीग्राम आंदोलन में शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली और रविंद्रनाथ भट्टाचार्य भी वही कर चुके हैं। वो 89 साल के हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उनका दावा है कि इस बार ममता को सिंगूर से हार का सामना करना पड़ेगा। जबकि टीएमसी ने सिंगूर आंदोलन का ही एक और चेहरा बेचा राम मन्ना को मैदान में उतारा है। सिंगूर विधानसभा में अगर ममता बनर्जी के प्लस और माइनस की बात करें तो 2016 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी का वोट 8% के आसपास गिरा है और बीजेपी का बढ़ा है। सिंदूर आंदोलन के अगुवा, 4 बार के टीएमसी विधायक और ममता बनर्जी के सेनापति रहे रविंद्र भट्टाचार्य अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा 10 साल के ममता राज के बाद सिंगूर जैसे इलाकों में भी बेरोजगारी जैसे मुद्दे माहौल में दिख रहे हैं। लेकिन अगर ममता बनर्जी के प्लस पॉइंट की बात करें तो वो ये कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपना लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने में कई जगह पूरी तरह नाकाम रही है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी का कोई तोड़ अभी बीजेपी के पास तो नहीं ही है। तो इंतजार कीजिए 2 मई का। नंदीग्राम के साथ साथ सिंगूर के भी जो नतीजे आएंगे वो पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में एक नया और दिलचस्प पन्ना लिखेंगे। सिंगूर से नीरज गुप्ता, न्यूज़ तक के लिए।